विशेष पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद भाई, बहुत ही सम्माननीय महापौर जी, हमारे बीच उपस्थित अन्य सम्माननीय वरिष्ठ कांग्रेस जन और आप सब उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकारगण, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहल पर, निर्देशन पर छत्तीसगढ़ की जनता को विगत 3 सालों से रेल यातायात को जो एक षड्यंत्र के तहत, जैसे शरद भाई ने बताया, षड्यंत्र के तहत और निजी हाथों में सौंपने की पूर्व तैयारी के चलते, आप देखेंगे कि 2020 से अब तक लगभग 64,382 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द करने का एक षड्यंत्र मोदी सरकार ने और मोदी सरकार के निर्देशन पे भारत के रेल मंत्रालय ने जो किया है, और उसके चलते देश के साथ छत्तीसगढ़ वासियों को जो परेशानी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सब चीज़ से आप सब लोग भी वाकिफ हैं। अभी वर्तमान में भी 14 ट्रेनें रद्द हैं और अचानक ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती है। आप सब जानते हैं जिनको बाहर जाना रहता है या जिनको बाहर से रायपुर आना रहता है या कहीं और जाना रहता है, उनको 1 महीना 2 महीने पहले से उनको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अचानक जब वो स्टेशन में जाता है यात्री, तो पता चलता है कि ये ट्रेनें रद्द हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार इस सरकार के चलते, मोदी सरकार के षड्यंत्र कुचक्र के चलते, भारतीय रेल की ये अव्यवस्था, ये दुर्गति बनी है और इसको जानबूझकर बनाई गई। निश्चित रूप से कोरोना के समय की जो परिस्थितियां थी उसको हम लोग महसूस करते थे कि चलिए भाई, यहाँ पे ट्रेनों का रद्द होना आम जन जीवन की स्थिरता के साथ समझ में आता था, लेकिन हमें क्या मालूम कि ये कोरोना के पीरियड के को ये लोग उस वो भी अवसर के रूप में बना करके उन्होंने अब तक केवल और केवल एक ही काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल निजी हाथों में पूरे रेल को सौंपने की एक साजिश चल रही है, जिसके चलते ही शायद ये परिस्थितियां उन्होंने जानबूझ करके निर्माण किया है, यात्रियों को परेशान करने का, हलाकान करने का। और केवल इससे यात्री ही परेशान नहीं हो रहे हैं, आप सब इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमको जो बुजुर्गों को जो सुविधा दी गई थी, प्रेस वालों को जो सुविधा दी गई थी, आम कामगारों को जो दैनिक यात्री होते थे, जो यात्रा रेल से यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान में पहुंचते, वो सारी सुविधाएं लगभग इस सरकार ने छीन ली है। छत्तीसगढ़ में आता है उससे भारतीय रेलवे को 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी राशि हमारे इस रेलवे जोन के माध्यम से भारतीय रेल को प्राप्त होने के बावजूद, आप देखेंगे पब्लिक को सुविधाओं के नाम पर कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी राहत प्रदान नहीं कर पा रही है, किसी को नहीं रही होगी। आम जनता परेशान है और इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस प्रकार के 3 दिवसीय कार्यक्रमों के माध्यम से हम न केवल इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि आम जनता को भी हमारे इस 3 दिवसीय आयोजनों के माध्यम से उसको जागरूक करने का
कार्य कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की जो केंद्र की सरकार है वो वास्तव में जन विरोधी सरकार है। इसकी बहुत सारी हरकतें हैं जिससे आम जनता पीड़ित है, लेकिन ये तो बोलते हैं ना सच कंगन को आरसी का, ये वाली बात कहावत चरितार्थ हो रही है। मुझे इसे लगता है कि आम जनता भी इससे सहमत है, वो पीड़ित है, दुखी है, और इन्हीं सारी बातों को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे हम लोगों ने आज यहाँ आकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। इस वार्ता का उद्देश्य आदरणीय शर्मा जी ने आप सभी को बताया है। जैसा कि पूर्व में आप सभी को ज्ञात है और पूर्व में हमारे द्वारा कईयों बार इस बात को उठाया जा चुका है कि केंद्र सरकार जो निजीकरण की ओर आगे बढ़ते जा रही है, अपने साथियों को, हमारी देश की संपत्तियों को जो बेचते जा रही है, उसी उद्देश्य को लेकर रेल को बर्बाद करने का, रेल विभाग को पूरा बर्बाद करने का कुचक्र रचा जा रहा है। को इस रेलवे को भी आगे चलकर इसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाकर बेचने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसे हम सभी कांग्रेस के साथी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और आपके माध्यम से, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं।